कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो छात्र नेता? आज सिंडिकेट की मीटिंग है, कहाँ गई वो दुकानें? कौन पूछ रहा है उनको? कहते चुनाव लड़ेंगे, ये कर देंगे, माहौल कर देंगे, वो कर देंगे, भला कर देंगे। कहाँ गई दुकानें? कोई नहीं आता भाई। जब खुद के दर्द होता है ना तो खुद चलाता है। हमने वो दौर देखा, राजस्थान कॉलेज से पढ़ते हुए वो दौर देखा हमने। हम लगातार फिर भी यहाँ खड़े हैं, दर्जनों मुकदमे खा लिए, सिर्फ छात्रों के लिए खाए हैं। लेकिन वो छात्र नेता कोई बीच में नहीं आएगा जिसे सिर्फ रील बनानी हो और अपनी दुकान चलानी हो। इस बात को समझ लेना। आएंगे, नई बात लेके आएंगे, नया एजेंडा लेके आएंगे और आम स्टूडेंट को गुमराह करके चले जाएंगे। जब आज जरूरत है, सिंडिकेट हो रही है, कहाँ गए संगठन, कहाँ गई जिम्मेदारियां? कोई लोग नहीं है, कोई छात्र नेता नहीं है। जब दुख दर्द होता है और तुम 100-150 लोग यहाँ बैठे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय, बाकी लोग सोशल मीडिया उनके साथ में उनको ले गए, लाठीचार्ज हो जाएगा, कुछ होना जाना नहीं। ये विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा घातक है, विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा घातक है। दूर से बैठे सोशल मीडिया पे फाइट ठोक रहे हैं, बैठे बैठे ये कर देंगे, क्रांति ला देंगे। क्या ला दोगे तुम क्रांति यार? तुम्हारा जमीर जिंदा नहीं है। आज सिंडिकेट की मीटिंग हो रही है, विश्वविद्यालय अपनी मनमर्जी कर रहा है, एजेंडे पास कर रहा है, आम छात्र के लिए एजेंडे पास कर रहा है। किस लिए मीटिंग बुलाई गई है? आम छात्र के लिए मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 100-150 लोग आए जिनका जमीर जिंदा है, और वो लोग चले गए जिनका जमीर नहीं है। उन लोगों को आप दरकिनार कर दो। अगर विश्वविद्यालय में रहना है, अच्छी शिक्षा लेनी है, तो उन लोगों को दरकिनार कर दो, अच्छा रहेगा। समय रहते सीख जाओ। आते बता दी तमाम साथी यहाँ बैठे, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, मेरा कोई ना कपिल जी का व्यक्तिगत काम है। हम तो पास आउट हो लिए राजस्थान को नहीं, विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। लेकिन काम आप उन गरीब परिवार के छात्रों का, जो 90% एडमिशन लेने के बाद में यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फेल कर दिए जाते हैं।